हे गाइस, आई एम बैक। सो ऐसा है कि 3-4 दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन डाल के चला गया था। आई नो लॉट ऑफ पीपल हैव आंसर्ड एंड आई एश्योर यू दैट कि आज मैं उसका आंसर बोलूँगा। एंड ऐसा है कि जितने लोग आप में से आंसर किए हैं वो क्वेश्चन को, उनमें से कुछ लोग सही आंसर किए भी थे। सो उस पर मतलब वो बाइक का नाम बोले हैं जो मैं लेके जाने वाला हूँ। तो ऐसा है कि जो बाइक मैं लेके जाने वाला हूँ, अच्छा उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहला चीज़ है कि मैंने बाइक चेंज करने की कोशिश क्यों किया। आई मीन लाइक व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ चेंजिंग दिस बाइक। सो द थिंग वाज दैट कि आई थॉट कि एनीवे डोमिनर हैज़ डन सो मेनी ट्रिप्स लाइक कन्याकुमारी से कश्मीर एंड लॉट ऑफ अदर ट्रिप्स। सो मैंने सोचा कि इस बार कुछ अलग गाड़ी लेके जाते हैं तो लोगों को कुछ दूसरा भी देखने को मिलेगा। अब कितना डोमिनार देख के आप लोग बोर भी हो जाओगे, मुझे पता है वो चीज़। एंड सो मैंने डिसाइड किया कि कुछ और बाइक लेते हैं। बिफोर दैट आई वुड एक्चुअली लाइक टू डिस्कस अबाउट द पीपल हु आर राइडिंग विथ मी एंड द प्लान इन शॉर्ट। सो लेट्स फर्स्ट नैरो डाउन टू द पीपल हु आर राइडिंग एंड व्हाट बाइक्स दे आर राइडिंग। So what happened initially, how this Bhutan plan happened was that ki initially me and a friend of mine planned that we'll do this Bhutan trip from Bangalore to Bhutan and return, but unluckily wo nahi ho paya, bas it couldn't work out, so wo trip nahi ho paya. Fir iske beecho beech kya hua, mera jo dost hai Sugat and Suman Parida, they were actually planning for a trip from Bhubaneswar to Bhutan, and then I said ki hey guys, why don't I join you. तो उसमें ऐसा था कि वो लोग दे वर लाइक 4 पीपल एंड मी 5, इंक्लूडिंग मी इट इज 5 पीपल हु आर राइडिंग टू भूटान। तो दे सेड दैट दिस साउंड्स लाइक ए ग्रेट आइडिया, जॉइन अस। सो ऐसा है कि मैं उनको ज्वाइन कर रहा हूँ ये ट्रिप पे, ये उनका ट्रिप है एंड आई एम जॉइनिंग देम। सो नाउ आई विल इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड्स विथ हुम आई एम एक्चुअली राइडिंग टू भूटान फ्रॉम भुवनेश्वर। सो द फर्स्ट वन इज सुगत सतपति एंड ही इज गोइंग टू राइड दिस बाइक, the Honda African Twin, superb, right? Second is Suman Parida, who is riding his CBR 650. So here's the bike. The third is Adnan Bhai, who is riding his Ducati DFL. So unke photo yahan pe hai. And then the fourth one is Rahul, who is riding his Ninja 1000. Photo yahan pe hai. Well, so ye log hai jinke saath mujhe ride karna hai. So I was really excited about this trip. Bahut excited tha main is trip ke liye. To aap aisa hai ki plan aapko bata deta hu. Plan aisa hai ki on 4th of November I am starting from Bangalore and I'll really be happy if you guys can come to see off me. So around 6 AM at the Hoskote toll gate. Hope you guys are aware, जो अपना कोलार वाला जो हाईवे रहता है ना, जो वहाँ पे Hoskote toll gate है, 6 बजे वहाँ से मैं निकलने वाला हूँ। सो क्योंकि वो मेरे घर से थोड़ा नज़दीक है, सो वहाँ से निकलने वाला हूँ। तो आप में से कोई भी अगर आ सकते हैं तो आ जाइए, बस मिलते हैं और वहाँ से सी ऑफ करेंगे आप लोग और खुशी खुशी हम निकलेंगे। तो दैट इज द प्लान। सो द फर्स्ट डे ऑन 4th आई विल राइड फ्रॉम दैट Hoskote toll gate टिल राजमंड्री, विजयवाड़ा, वट एवर, जहाँ पे भी जहाँ तक हो पाया बस वहाँ चलेंगे। एंड देन आफ्टर दैट आई विल राइड फ्रॉम देयर टू भुवनेश्वर ऑन 5th, विच इज़ ऑन संडे। आई विल रीच भुवनेश्वर ऑन संडे 5th, एंड देन 6th, 7th जो है भुवनेश्वर में रहूँगा, एंड 8th को अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हम लोग निकलने वाले हैं भुवनेश्वर से। द प्लेस इज चा बिस्किट अगेन, मतलब वहीं पे है जहाँ पे मेरा मीटअप हुआ था चा बिस्किट, वहाँ से 5 बजे 8 नवंबर को सुबह हम लोग निकलने वाले हैं। तो आप लोग जो है 5 बजे तक वहाँ पे आ जाइए, जो भी उड़ीसा में है, तो हम लोग आपसे मिल लेंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे। सो दिस इज द ओवरऑल प्लान। नाउ कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन, दैट इज व्हाट बाइक आई एम राइडिंग। इट वॉज वेरी सिंपल फॉर यू गाइज टू आंसर बिकॉज आप लोगों को पता है मेरे पास क्या क्या गाड़ियाँ हैं। तो बात कुछ ऐसा है कि मैं ये गाड़ी लेने वाला हूं, यस, द हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750।
तो ये बाइक है जो मैं लेके जाने वाला हूँ. आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये गाड़ी को क्यों लेके जा रहा है. हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को ना पसंद आए, बट द थिंग इज दैट यस, दिस इज द बाइक व्हिच आई हैव विद मी राइट नाउ एंड आई एम थिंकिंग टू टेक दिस बाइक टू भूटान. और ऐसा है कि ये गाड़ी जो है मेरे पर्सनैलिटी को पूरा एब्सोल्युटली मैच करता है. पहला चीज़ है इसका हाइट बहुत अच्छी है मेरे मतलब हाइट के हिसाब से, मतलब ये गाड़ी बहुत सही है. एंड सेकेंडली कम्फर्टेबल है ये, एक्चुअली अलग बाइक जैसा ही है जैसे जो हम लोग जो रेगुलर बाइक चलाते हैं तो वैसा ही है. इसमें कोई बहुत बड़ा हारने का फील नहीं है. इट्स लाइक राइडिंग एनी अदर बाइक एंड टॉर्क वर्क अच्छा रहता है ये बाइक पे. इनफैक्ट यही बाइक मैंने अहमदाबाद से लेके यहाँ पे राइड किया था मेरे वाइफ के साथ. सो इट्स अ गुड एंड इट्स अ कम्फर्टेबल बाइक. सो दिस इज द प्लान. सो हार्ले स्ट्रीट 750 हम लोग लेके जा रहे हैं भूटान. सो भूटान ऑन ए हार्ले, दैट वॉज द प्लान. सो वही है गाइज. सो आई होप आप लोगों को, बहुत सारे लोग आप मतलब गेस कर लिए भी होंगे कि ये बाइक था. तो अब फिलहाल प्लान यही है. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि ये जो बाइक मैं सिलेक्ट किया एक्चुअली सही क्या गलत क्या, या आपको क्या लगता है, आपका फीडबैक क्या है. एनीवे गाड़ी तो अभी चेंज नहीं होगा, वही गाड़ी पे जाएंगे हम लोग, लेकिन फिर भी कुछ आइडियाज आपसे भी आएगा तो अच्छा रहेगा. बस चलेंगे राइड पे, फिर देखेंगे क्या होता है. उम्मीद करता हूँ कि अच्छे अच्छे वीडियोस फोटोग्राफ्स ये सब बनाएंगे. लास्ट टाइम मैं जब लद्दाख गया था मेरे पास कैमरा अच्छा सेटअप नहीं था. दिस टाइम आई हैव गॉट अ वेरी गुड सेटअप. आई मीन द कैनन 200D एंड देन रोड माइक्रोफोन है एंड देन एक्शन कैम्स भी 2-3 लेके जा रहा हूँ एंड सब कुछ इस बार है. एंड अगेन क्लोज ग्रुप है, अच्छी ग्रुप है, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं भुवनेश्वर से, उनके साथ राइड करना कर रहा हूँ. सो अलग टाइप का एक एक्सपीरियंस भी रहेगा एंड ऑब्वियसली वील हैव लॉट ऑफ फन. एंड मुझे पता है कि मेरा जो गाड़ी है सबसे छोटा है मतलब सबसे पावर में सबसे छोटा है एंड सबसे पीछे रहेगा बिकॉज इट्स नॉट ए फास्ट व्हीकल. बट इट्स ओके, पहले 2 दिन ही हम लोगों को हाईवे पर राइड करना, उसके बाद तो घाट ही घाट आ जाएगा. तब फिर मतलब पहले 2 दिन हो सकता है कि वो लोग मुझसे बहुत आगे निकल जाएंगे, बस लॉन्ग रन में कैच कर लेंगे. एंड देन आफ्टर दैट घाट जब आएगा तब स्पीड लगभग सब गाड़ी का एक हो जाएगा. सो दैट्स द प्लान गाइस. एंड मेरा रिटर्न प्लान ये है कि मैं कोलकाता तक राइड करूँगा या फिर सिलीगुड़ी तक राइड करूँगा एंड वहाँ से जो है अपने गाड़ी को मैं VRL में या किसी में भेज दूंगा टुवर्ड्स बैंगलोर. एंड देन कोलकाता में होपफुली आई विल हैव अ मीटअप. आई एम नॉट रियली श्योर बट मे बी हो सकता है. एंड ऐसा है कि 9 तारीख को हम लोग सिलीगुड़ी पहुँच रहे हैं, तो पहले दिन का जो राइड है 8 तारीख को वो एक्चुअली मालदा तक पहुँचेंगे. टिल मालदा वी आर गोइंग टू राइड एंड देन सेकेंड डे फ्रॉम मालदा टू सिलीगुड़ी. सो सिलीगुड़ी वी माइट रीच बाई 4 or 5 PM मैक्स. सो आई नो लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग फॉर अ मीटअप एट सिलीगुड़ी. सो इन दैट वे व्हाट वी कैन डू इज लाइक अराउंड 5 to 6 or 7 वी कैन मेक अ मीटअप. सो आप लोग जो है 5 या 6 बजे मीटअप के लिए रेडी रहिए. होटल जो भी हम लोग बुक करेंगे मैं आपको 1-2 दिन पहले ही मतलब इन्फॉर्म कर दूंगा. सो उसके लिए प्लीज़ डू फॉलो माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक IDs. सो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे जो ID मेरा है ब्लू बाइकर है, आप उसको फॉलो कर लीजिए ताकि मेरा जो रेगुलर अपडेट्स है वो आपको मिलता रहेगा. एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि गाइज आप लोग कोई भी रास्ते पे वेट मत करो बिकॉज इट्स अ बिग हेडेक फॉर मी. क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि आप वेट करते हो, मुझे पिंग करते हो इंस्टाग्राम पे, कभी कभी मैं इंस्टाग्राम चेक नहीं कर पाता हूँ एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि हम लोग लेट हो जाते हैं. यू हैव टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग टाइम. वो मुझे बहुत बुरा लगता है सही में. इनफैक्ट अगर आप टाइम से टाइम पे अगर कहीं मिलना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज लाइक इन वेट इन फ्रंट ऑफ द टोल. टोल के आगे ही रहना बेहतर है. ये सारे मोटर ब्लॉगर्स जो है वैसे ही शेड्यूल करते हैं कि टोल के आगे रहने से ईजी होता है मीट करने के लिए लोगों को. सो यू कैन डू दैट बट स्टिल आई एडवाइज कि यार रास्ते पे वेट करना इज नॉट ए ग्रेट डिसीजन. बिकॉज वही होता है कि देखो एक है कि मेरा कोई टाइम वाइम का ठिकाना नहीं रहता बिकॉज आई डोंट रश ऑन हाईवे. आई राइड वेरी व्हाट यू कॉल बिकॉज आई गेट दैट प्लेजर आउट ऑफ राइडिंग केयरफुली एंड मैं आराम से चलाता हूँ. मेरा जो नॉर्मल स्पीड रहता है 100 से 120 तक ही रहता है, उससे ऊपर मैं जाता नहीं हूँ. मतलब कभी कभार स्ट्रेच कर लेता हूँ बट यूजली दैट इज वॉट इज माई स्पीड. एंड सो ये होता है कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे फिर आपको बुरा लगेगा, वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे भी बुरा लगेगा. तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा एंड यहाँ से लेके नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएगा सब भूटान रिलेटेड ही वीडियोज़ आएगा. एंड डे आफ्टर टुमोरो और मे बी day after tomorrow I will reveal I have bought a product again. I'll reveal that. By the way guys, street 750 ka agar aapko kuch review janna hai, recently I did a review with quicker bikes. If you want you can actually see that review. So I had reviewed it long time back but they just uploaded recently. So uska link jo yahan pe card section pe, you can visit this link and visit that interview. It was a good long term review which I did there at quicker bikes. So you can watch that. And wahi hai fir. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक थम्सअप दे दीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो फिर
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, इतना प्यार जो करते हो तो डिसलाइक मत करो बस। चले यार, डिसलाइक लाइक सब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो आप। तो ऐसा है, एंड दैट्स ऑल गाइस। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, थैंक यू।